कल जैसे कल काम हुआ था उसपे यार, थोड़ा कम काम हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं बाहर। आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने बाल छोटे करवाने हैं, तो मैं बाल कटवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है अभी। और तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। ये बिल्कुल ड्राई तो नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत हो चुका है, ऑलमोस्ट 70% हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ। और बाय द वे, आज मुझे मेकअप बहुत पसंद आ रहा है मेरा, और बिल्कुल फटाफट से किया है, तो थोड़ा मैसी लग रहा है, बट इट्स ओके। और मेरी आईब्रो नहीं बनी हुई, इतनी गंदी लग रही है। और मैंने बिंदी लगाया है जो कि मेरे झुमके के साथ थोड़ा मैच हो रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। सो या आज मुझे एक जगह और जाना है, वो है मेरी मम्मी के यहाँ। तो काफ़ी दिनों से मैं यहीं पर हूँ, तो सोच रही हूँ कि चलो चलते हैं मम्मी के यहाँ से होके आ जाते हैं घूम के। और बाय द वे, मुझे कुर्ती भी बहुत पसंद आ रही है। तो ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बट ये थोड़ा लार्ज साइज़ है, तो मेरे से थोड़ा सा ये बड़ा साइज़ है, बहुत ढीला हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ बाहर, और मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कंघी किया है। अनीरव अभी सो रहा है और उसे मैंने तैयार कर दिया है, जा रही हूँ उसको लेकर। एंड देखते हैं किसमें मैं अपनी बाल कटवाती हूँ, और मैं इसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून।
हाय गाइस, सो आज मैं फाइनली शूट कर रही हूँ। मैं अपनी बाल दिखा रही हूँ, सॉरी मैं इमेज डाल दूंगी उस दिन का। तो उस दिन मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही थी और मैं आज आ गई हूँ। मैंने सेम ड्रेस पहना है क्योंकि मैं बिल्कुल भी कोई कपड़े नहीं लेके गई थी और एक दिन का मेरा प्लान हो गया था रुकने का, तो सेम कपड़ा मैं पहन के आई हूँ। और जब मैं रुकी थी तो मैं अपनी सिस्टर की कपड़े वहाँ पे थे ऑलरेडी, तो वो मैंने पहना था एक दिन रुकी थी और फिर मैं वही पहन के आई हूँ। तो ये है मेरा न्यू हेयर। और मैंने इतना छोटा नहीं बोला था उसे, बट वो नहीं समझ पाया जो मेरे बाल काट रहा था। बट फिर भी मुझे बहुत पसंद आया ये कलर भी, और मेरे जो हेयर है काफ़ी बाउंसी लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे हैवी लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है मेरे बाल रिपेयर भी हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये न्यू एक तरह से लुक हो गया है, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और इस पे ये झुमका भी मैंने पहना है तो अच्छा लग रहा है। और या कोई बात नहीं गाइस, जिन लोगों को बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों ने मुझे बोला था कि मत कटाओ बाल, फिर भी मैंने कटवा लिया। आई एम रियली सॉरी, मेरे बाल में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, होप यू अंडरस्टैंड। और बालों का क्या है, फिर आ जाएगा यार, फिर बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। सो मैंने सोचा कि फटाफट से छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि आप सबको दिखा सकूँ। और मैंने बहुत कम आज मेकअप किया है, और जो भी किया है मेरी सिस्टर का था, मैं कुछ भी नहीं ले गई क्योंकि मेरा प्लान नहीं था वहाँ रुकने का। मैंने सोचा था 1-2 घंटे वहाँ रुकूँगी, बट यू नो मायके जाते हैं तो फिर आप ऐसा हो जाता है कि आप रुक ही जाते हो, मन कर जाता है, तो इसलिए मैं रुक गई थी। और ये मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं फ़ोटो डाल दूँगी ताकि आप प्रॉपर देख सकें, और मुझे बहुत पसंद आया कि मेरा बाल इट्स ओके, बढ़ जाएंगे। ये एक्चुअली मैंने बाल पोनीटेल किए थे इसलिए ख़राब हो गए हैं, अभी धुला नहीं है कल के बाद, तो इसलिए, वरना मुझे बहुत अच्छे लगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, टिल देन बाय।